ये 8th स्टैंडर्ड का चैप्टर है, और इससे पहले जो चैप्टर है ना वो था स्केयर एंड स्केयर रूट। ठीक है, आपने अगर ध्यान दिया हो तो कुछ बुक्स में ये चैप्टर कंबाइंड मिलता है, कुछ बुक्स में अलग अलग मिलता है। तो अगर आप एक ये वीडियो देख लेते हैं तो यू कैन डू एनी क्वेश्चंस फ्रॉम एनी बुक। तो व्हाट वी विल डू इन दिस वीडियो, देखिए सबसे पहले तो वी विल टॉक अबाउट कि भाई मीनिंग क्या होता है क्यूब रूट का और क्यूब का। उसके बाद हम बात करेंगे परफेक्ट क्यूब की क्या डेफिनेशन है, और सबसे इंपॉर्टेंट है भाई मेथड बात करेंगे, कैसे कितने मेथड है क्यूब रूट निकालने के। शुरू करते हैं। जब भी आपने क्यूब का नाम सुना होगा ना तो आपको रूबी क्यूब का याद आया होगा। ठीक है, रूबी क्यूब होती है या जो क्यूब और क्यूबाइड है वो शेप का याद आया होगा। और किसी बच्चे को अगर ध्यान होगा तो भाई जो क्यूब है उसकी वॉल्यूम होती है ना वो आती थी ए को 3 बार मल्टीप्लाई करने पे। ठीक है, 3 बार मल्टीप्लाई करते तो ए उसमें आती थी। अब बात करते हैं कि भाई वो क्यूब और ये क्यूब अलग है क्या? देखिए बिल्कुल स्पेलिंग सेम है। क्यूब का मीनिंग होता है किसी भी नंबर की पावर 3, या सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं, किसी भी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं ना, 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आंसर जो आता है ये 2 का क्यूब कहलाता है। भाई 3 का क्यूब क्या कहलाएगा, 3 को 3 बार मल्टीप्लाई किया। 4 का क्यूब क्या कहलाएगा, 4 × 4 ये कहलाया। आपको ना पावर 3 को क्यूब कहते हैं। देखिए आपको याद दिलाता हूं, अगर किसी की पावर 2 होती थी ना तो मैंने पिछले चैप्टर में बताया था कि इसको स्क्वेयर बोलते हैं पावर 2 को। अगर पावर 3 होती है तो इसको बोलते हैं क्यूब निकालना। करेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक वही परफेक्ट क्यूब क्या होती है। देखिए परफेक्ट क्यूब वो नंबर होते हैं जो किसी भी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करने पे आते हैं। जैसे 1 परफेक्ट क्यूब है, 2 परफेक्ट क्यूब है, सॉरी 2 का क्यूब है क्या है, 8, 8 है परफेक्ट, 2 नहीं है सॉरी, 27 परफेक्ट है, 64 परफेक्ट है। आपको ना टिल 10 तो क्यूब याद होनी चाहिए, बहुत जरूरी होते हैं। अब परफेक्ट क्यूब की डेफिनेशन सिंपल से बताऊं, ऐसा नंबर जो किसी के नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करने से आता है उसको परफेक्ट क्यूब कहते थे। तो आई होप परफेक्ट क्यूब, अगर नेक्स्ट में क्वेश्चन जनरली आता है कि वेदर दिस नंबर इज परफेक्ट और नॉट उसकी बात करते हैं, तो पहले नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं, परफेक्ट क्यूब आपको क्लियर होगा। देखिए प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, जब प्रॉपर्टीज की बात आती है ना तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज है बुक में, मैं सिंपल ले लेता हूं जो आपको याद होनी चाहिए। कोई आपसे पूछो भी इवन नंबर का क्यूब, अब इवन और ओड लिखने से पहले ना एक इवन नंबर का क्यूब करके देख लीजिए, इवन नंबर का क्यूब किया तो 8 आया, तो 8 भी इवन है, तो कोई याद करने की जरूरत नहीं, आप करके लिख दो कि आंसर इवन का क्यूब इवन आएगा। कोई आपसे पूछे ओड का क्यूब, तो भाई किसी ओड नंबर को ले लीजिए, ओड नंबर का क्यूब निकाल के देख लीजिए, जो क्यूब निकल के आया वो ओड नंबर आया ना, इसका मतलब आपको ऑन द स्पॉट पता लगा कि ओड नंबर का क्यूब ओड होता है। नेगेटिव नंबर का क्यूब हमेशा नेगेटिव आएगा, ठीक है, क्योंकि 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अगर मान लो ये पूछ ले फ्रैक्शन का क्यूब निकालो, तो इसका सिंपल सा लॉजिक है, इसको भी आप 3 बार मल्टीप्लाई करोगे। इसको 3 बार मल्टीप्लाई का मतलब है जो न्यूमरेटर है उसको अलग कर दीजिए, यानी कि 8 हो गया, और सॉरी ये देखिए मैंने यहां गड़बड़ क्या कर रही है, लेट मी, ये 5 है, और जो डिनोमिनेटर है ना उसको भी कर दीजिए आप, तो ये 125 आया। और कई बुक्स में ऐसे लिख देते हैं कि भाई 2 का क्यूब अलग निकाल लीजिए, 5 का क्यूब अलग निकालिए, दोनों में बात है कि आंसर जो है वो सेम आता है। आई होप प्रॉपर्टीज आपको क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट पॉइंट ले लेते हैं, दैट इज हाउ टू चेक भाई गिवन नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं, ये कैसे चेक करना है। मेथड का नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन। मैं सबसे पहले ये क्वेश्चन ले लेता हूं, फिर आपने एक्सरसाइज शुरू करवाते हैं। देखिए 1728 है, 178 को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से यूज का मतलब होता है कि प्राइम नंबर से मैं डिवाइड करूंगा। 2 से डिवाइड किया तो 864 आया, फिर 2 से डिवाइड किया 432 आया, फिर 2 से डिवाइड किया तो 2, और जैसे 2 से डिवाइड करो तो 108 आएगा। पता है मैक्सिमम बच्चे गलती क्या करते हैं, मैक्सिमम की मिस्टेक मैंने नोटबुक में करी है कि जब भी वो 216 को 2 से करते हैं ना तो वो 18 लिख देते हैं, जो गलत है। 2108 इज द करेक्ट आंसर। 2 से करोगे तो 54, फिर देखिए 27 आने के बाद ना 2 से नहीं जा रहा, तो मैंने 3 से डिवाइड करा, 3 से किया तो 9, ठीक है 9, जब तक करते रहना जब तक 1 आ जाए। अब परफेक्ट क्यूब है कि नहीं कैसे चेक करेंगे, अगर ये ट्रिपलेट एक नंबर है ये 3 बार आया, इसका ट्रिपलेट बन रहा है, इसका भी ट्रिपलेट बन रहा है ये 3 बार आया है,
ये भी तीन बार आ रहा है, अगर पूरे नंबर का ट्रिपलेट बन रहा है तो यस इट इज ए परफेक्ट क्यूब। देखिए इस केस में जैसे के पेयर करते थे ना हम स्केयर में, इसमें ट्रिपलेट करेंगे यानी कि तीन तीन का सेट बनाएंगे। अगर बाय चांस ये सेट नहीं बनता तो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। एक क्वेश्चन करके देखते हैं, 100 का करके ले लेता हूं। ये क्वेश्चन है ना, मैंने 2 से डिवाइड किया तो 50 आया, फिर 2 से डिवाइड किया 25 आया, फिर 5 से डिवाइड किया 5 आया, एंड 5 से करा तो 1 आ गया। अब आपने नोट करा 100 को मैं अगर एक्सप्रेस करता हूं प्राइम फैक्टराइजेशन के, तो 2 है ना उसका ट्रिपलेट नहीं बना, इसका भी ट्रिपलेट नहीं बना, तो यहां पे लिखेंगे नॉट परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब वही होता है जिसके पूरे पूरे ट्रिपलेट बने। आई होप ये आप कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 1 के रिमेनिंग पार्ट्स आपको होमवर्क दे देता हूं। नेक्स्ट ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है भाई फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच फॉलोइंग नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई करेंगे परफेक्ट क्यूब बन जाए। ये परफेक्ट क्यूब है नहीं, हमसे पूछ रहे कि क्या मल्टीप्लाई करें। एक काम करते हैं, मैं दो पार्ट करता हूं, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट ले लेता हूं। मैंने ना 243 को 3 से डिवाइड किया 81 आया, 3 से करा 27 आ गया, फिर 3 से किया 9 आया, फिर 3 से किया 1 आ गया। जब ये आप नोट करना 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम, ये 243 5 टाइम है। जब मैं ट्रिपलेट बना रहा हूं ना तो ये तो एक ही बना, इस केस में ट्रिपलेट नहीं बना। अगर मैं आपसे पूछूं ये बताओ यहां पे क्या नंबर लिखें कि ट्रिपलेट बन जाए, आप झट से कहोगे सर 1 3 इज लेस, सो आंसर हो जाएगा 3। हम अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका भी ट्रिपलेट बन सकता है। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि किससे मल्टीप्लाई करें, तो आपका आंसर हो जाएगा 3। एक और ले लेते हैं, देखिए इस केस में ये क्वेश्चन 3 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल चेक करते हैं, 3 2 6, 3 2 6 और 3 5, फिर भी 3 से हो रहा है, वापिस से करते 3 7 जा 3 5 जा, ठीक है, फिर भी 3 से हो रहा है, 3 2 6 125 आया, फिर 5 से हो रहा है यानी कि 5 5 जा। आपको जब तक करना है जब तक 1 नहीं आ जाए। अब आप क्वेश्चन हमारा क्या था, क्वेश्चन इसको मैं प्राइम फैक्टराइजेशन में एक्सप्रेस कर लेता हूं, 3 जो है ये आया है और 5 ये है। अब आपसे पूछा जाएगा किससे मल्टीप्लाई करें, देखिए 3 का तो ट्रिपलेट बन रहा है, लेकिन आपने नोट करा यहां पे एक नंबर की कमी, किसकी कमी है, एक अगर 5 और हो जाए तो बात बन जाए। तो हमारा क्वेश्चन होगा वी शुड मल्टीप्लाई बाई 1 5 हमें चाहिए, तो आंसर हो जाएगा 5, हमसे स्मॉलेस्ट नंबर पूछा था। आई होप बाकी क्वेश्चंस आप कर लोगे, होमवर्क दे देता हूं, ये इजी है। जिस तरह से मल्टीप्लाई है ना वैसे का वैसा डिवीजन में भी है, चेक करते हैं कैसे। देखिए आपने नोट करा यहां पे क्वेश्चन वही है, सिंपल आ गया, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच वी डिवाइड, किससे डिवाइड करें। एक एग्जांपल ले लेता हूं भाई, मैंने सबसे पहले 128 को लिया, 28 को 2 से डिवाइड किया 64 आया, 2 से किया 32, 32 को करा 16 8 4 2 1 1 आ गया। जब मैंने देखा तो 1 2 3 4 5 6 7 7 टाइम्स ही आया, तो मैंने ट्रिपलेट बनाने की कोशिश करी, इसका तो ट्रिपलेट पूरा है, इसका भी ट्रिपलेट पूरा है। देखिए अब ये है बिना ट्रिपलेट के, हमसे कह रहे किससे डिवाइड करें, अगर ये मल्टीप्लाई करता ना तो आंसर हो जाता क्या 2 2 चाहिए थे, मल्टीप्लाई के केस में तो 2 2 मिल जाते, आंसर 4 था। लेकिन ये तो हम रिमूव करना पड़ेगा, हमें डिवाइड का मतलब है इसको रिमूव कर दो, तो अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो हमारा काम हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा वी विल डिवाइड बाय 2। जो जिनका अन ट्रिपलेट नंबर है ना, जिनका ट्रिपलेट नहीं बन रहा, उनसे हम डिवाइड कर देंगे। एक और ले लेते हैं, 135 ले लेते हैं। सबसे पहले देखिए 3 से जा रहे हैं, 3 4 12 45 आया, 3 से फिर जा रहा है 15 आया, 3 से फिर जा रहा है अगर आप नोट करें तो 5 आया, 5 से जा रहा है 1 आया। 135 का ना मैंने जब प्राइम फैक्टराइजेशन करी तो जो आंसर आया है वो ये आया है, इसका तो ट्रिपलेट पूरा है। अब क्वेश्चन है कि किससे डिवाइड करें, एक्स्ट्रा तो ये है ना, यानी कि डिवाइड बाई नंबर अगर मैं लिख दूंगा 5 5 हट जाएगा तो बात बन जाएगी। एक बताऊं आपको, क्रॉस चेक करके देख लिया करो अभी कभी, कैसे क्रॉस चेक करने का मतलब है भाई 135 है ना, इसको 5 से डिवाइड करो,
जब 5 से डिवाइड किया आपने, 5 टू से 10, 27 आया। अब ये जो आंसर है ना, ये बिल्कुल आप चेक कर लो कि ये परफेक्ट क्यूब है और 3 का क्यूब है। ये क्रॉस चेकिंग होता है, वेरिफिकेशन होता है। आप अपने आंसर को क्रॉस चेक कर सकते हो कि आपने जो करा है वो सही है कि नहीं। आई होप रिमेनिंग क्वेश्चन होमवर्क लिख देता हूं, आप कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है भाई, और अक्सर मैं इसको एग्जाम में देता हूं, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख देता हूं मैं। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कहता है भाई परीक्षक के पास एक क्यूबाइड है, 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, इसकी डायमेंशन है लेंथ ब्रेथ हाइट लो, तो डायमेंशन का मीनिंग हो गया। कहता है ये कितने डब्बे एक बड़े क्यूब के अंदर फिट हो जाएंगे, हाउ मेनी दी स्मॉल क्यूबाइड। यहां पे अगर मैं एक एक क्यूबाइड रखना शुरू करूं तो ये कह रहा है कितने क्यूबाइड मिलके एक क्यूब बनाएंगे, हाउ मेनी सच क्यूबाइड विल मेक ए क्यूब। सीधी सी बात है, यहां वॉल्यूम की बात हो रही है, तो वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। जब मैंने इनको मल्टीप्लाई किया ना, तो आप नोट करना ये वॉल्यूम आ गया। देखिए मल्टीप्लाई नहीं करना, अब आंसर निकालता हूं। हमारा है नंबर ऑफ क्यूबाइड, पता है ये क्या क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि किससे मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। वही क्वेश्चन है, बस स्टेटमेंट फॉर्म में है। परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हमें 2 तो 5 है, 1 5 और चाहिए, एग्री। लेकिन यहां पे नोट करा 2 तो 1 ही है, हमें यहां पे 2 कितने चाहिएंगे, 2 है ना वो 2 चाहिएंगे, तो 2 यहां पे मुझे 2 चाहिएंगे, और 1 5 चाहिएगा। तो 5 तो मैंने क्यों लिखा, क्योंकि 2 टाइम आ रखा है ट्रिपलेट के लिए। आंसर हो जाएगा 20 क्यूबाइड्स आर रिक्वायर्ड। अगर 20 क्यूबाइड मिल जाते हैं, यानी कि ये 20 से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट ले लेते हैं, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। देखिए भाई बहुत इजी है। कहता है बिना क्यूब के फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ द क्यूब। भाई इसका क्यूब निकालते हैं, हमें आंसर नहीं बताना, ये बताओ यहां पे क्या आएगा लास्ट में। तो इसका यूनिट डिजिट क्या है, 5 है ना। आप यहां पे 5 को 3 बार मल्टीप्लाई कर लीजिए, 125 आए ना। इस 5 का 125 है, तो इसका भी आंसर में लास्ट में 5 आएगा। एक और देख ले भाई, इसका पूछा है यहां 4 है ना, तो हमसे कह रहा है कि भाई लास्ट में क्या आएगा। तो ये 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करा मैंने, तो 64 आया, तो ये 64 है, तो ये भी 4 आ जाएगा यहाँ पे। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। एक काम करते हैं, इस केस में और देख लेते हैं। जब मैं 238 को मल्टीप्लाई करके क्यूब करके बिना आंसर के निकालना चाहता हूं ना, यहाँ पे क्या डिजिट आएगा, तो इसका 8 जो डिजिट है ना, इसको मैं 3 बार करूंगा और आंसर 512, यानी कि 2 लास्ट में आ रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा मेरा 2। आई होप ये आपको क्लियर हुआ। अब एक IMO में क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन का ट्रिक बता देता हूं। कहता है भाई इस नेचुरल नंबर का सम निकालने का फार्मूला है, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब का फार्मूला है, n(n+1)/2। कई बच्चे कहते सर ये क्या चीज है, समझाइए। मैं इस तरह से बताता हूं, हमसे किसी ने कहा भाई इनका सम निकालो जल्दी से। एक तो लॉन्ग मेथड है, लॉन्ग मेथड पता क्या है, 1 का क्यूब 1 + 2 का क्यूब 8 + 3 का क्यूब हो गया 27 + 4 का क्यूब हो गया 64। जब मैं इनको ऐड करूंगा ना, तो ऐड करने पे मेरा जो आंसर आता है वो आता है, इनको ऐड करने पर 100 आ गया। अब मैं शॉर्टकट ट्रिक, पता है शॉर्टकट क्या कहता है, एन होता है लास्ट नंबर, इस केस में एन जो है ना वो 4 है, तो मैं सम निकालता हूं ट्रिक से, n(n+1) लास्ट नंबर इंटू उससे नेक्स्ट नंबर, और 2 से डिवाइड करके जो आंसर आए ना उसको कर दो आप किससे, 2 से, तो ये हो गया 4 × 5। ठीक है भैया, अंदर 2 है, 2 से मैं करूंगा, तो 20 को 2 से करा तो 10, 10 का स्क्वायर करा तो 100। देखिए वही आंसर आ रहा है, यहां से भी 100 था, यहां से भी 100 है। ये शॉर्टकट ट्रिक है, आई होप ट्रिक समझ में आ गया। ट्रिक में एन जो है वो लास्ट नंबर है, नेचुरल नंबर का सम निकालने के लिए क्यूब का। विद दिस आवर फर्स्ट एक्सरसाइज ओवर, क्यूब निकालने का। देखिए इसकी लास्ट एक्सरसाइज है, बहुत इजी एक्सरसाइज है, वो क्यूब रूट की है। तो पहले तो मीनिंग बताते हैं क्यूब रूट का, जैसे स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट था ना, ऐसे क्यूब और क्यूब रूट है। समझाता हूं, आपने नोट करा ना मैं क्यूब सिखा रहा था, 2 का क्यूब अगर 8 आया ना,
तो उल्टा मैं क्या लिखूंगा, रिवर्स इसका, टू इज द क्यूब रूट ऑफ एट। क्यूब रूट है ना, जैसे स्क्वेयर रूट था ना, ऐसे क्यूब रूट आ गया। यानी कि एक सिंपल लैंग्वेज में बताऊं कि ये 3 बार आया है तो एक आंसर बाहर आ जाएगा, यानी कि 2 आ जाएगा। एक बार यहां देखते हैं भाई, 5 का क्यूब 125 है ना, तो ये जो 5 है ना, ये क्यूब रूट कहलाएगा 125 का। और क्यूब रूट का सिंबल बताऊं, ये सिंबल होता है, सिंबल जनरली ये जो 3 है ना, ये इस वी के अंदर होता है, आपको ध्यान में ये रखना है। स्केयर रूट का याद दिलाऊं, अगर किसी को स्केयर रूट का सिंबल याद है, तो स्केयर रूट का सिंबल था वो ये था। लेकिन एक बार बताता हूं कि मान लो ये 36 है, यहां कुछ नहीं होता था वी के अंदर, लेकिन वहां पे बाई डिफॉल्ट 2 होता था, एग्री। और अगर आप ध्यान हो तो इस सिंबल को नहीं लिखते थे, तो हम power 1/2 लिखते थे। और इस सिंबल को अगर मैं नहीं लिखूंगा ना, तो थोड़ी देर के लिए यही देख लीजिए, अगर मैंने इस सिंबल को हटाना है तो power 1/3 लिखनी पड़ी इसको, एग्री। अब मैं समझाऊं इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं भाई। 125 को मैं क्या लिख सकता हूं, 125 को लिख सकता हूं 5 की पावर 3, और होल पावर कितनी है, 1/3 है। आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट याद आया, आंसर 5 आ गया। देखिए एक इसमें नई चीज क्या है, अगर इसके अंदर 5 होता ना, वो क्यूब रूट तो नहीं कहलाएगा, और मान लो यहां पे कुछ भी होता 72 होता, तो इसको मैं लिखूंगा 72 की पावर 1/5, एग्री। अगर यहां पे 4 होता और यहां पे कोई भी 100 होता, तो मैं लिखूंगा 100 की पावर 1/4, ये आपको IMO में काम आएगा। लेकिन अगर यही 4 ये बाहर होता ना, तो ये अलग होता, यहां तो ये होता है 4 मल्टीप्लाई बाई दिस, ये अलग चीज है, ठीक है। ये इसका आंसर तो हो जाएगा 10, और 10 का 40 आंसर आ गया, ये अलग है। और ये अब देखिए, ये जो सिंबल होता है ना, ये रेडिकल का सिंबल है एक्चुअल में, क्यूब रूट का सिंबल बताया ना मैंने, जो इंडेक्स होगी यहां पे 3, और रेडिकेंड कहते हैं ये तो नाम है। मेन जो आपको याद रखना है ना, वो क्यूब रूट का सिंबल याद रखना है, क्यूब रूट का। एग्जैक्ट क्लियर हुआ होगा तो एक काम करते हैं, क्यूब रूट के मेथड देखते हैं कैसे निकालें। जैसे आपको याद है स्क्वायर रूट के मेथड थे, हमारे पास 2 ही मेथड है क्यूब रूट निकालने के, एक है प्राइम फैक्टराइजेशन, एक है एस्टिमेशन मेथड, और ये दोनों काम करते हैं सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट क्यूब के केस में। ओनली परफेक्ट क्यूब अगर होगा ना, तो ही ये दोनों मेथड काम करेंगे, ठीक है। और देर इज नो, जैसे क्यूब में था ना लॉन्ग डिवीजन मेथड, हमारे यहां पे लॉन्ग डिवीजन का मेथड सिलेबस में नहीं है, या होता ही नहीं है, मैंने भी नहीं पढ़ा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं, जैसे नाम ही बता रहा है, 1000 का निकाला है ना, प्राइम फैक्टर से डिवाइड कर लो, 2 से डिवाइड किया 500, 2 से करा 250, 5 से डिवाइड किया 125, फिर 5 से किया, जब तक करता है जब तक 1 नहीं आ जाए। अब देखिए मेरे से क्या पूछा है, 1000 का क्यूब रूट निकालना है, तो भैया ये क्यूब रूट कैसे निकालेंगे, 2 इज कमिंग हाउ मेनी टाइम्स, 2 यहां पे आ रहा है 3 टाइम्स, और 5 भी आ रहा है यहां पे 3 टाइम्स। तो देखिए क्यूब रूट का सिंबल पहले तो मैंने एक्सप्रेस किया है, यहां पे क्यूब रूट निकाल रहा हूं, तो मैं ट्रिपलेट बनाऊंगा, पूरा पूरा ट्रिपलेट बन रहा है, इसका मतलब परफेक्ट क्यूब है। इस ट्रिपलेट में से 1 2 बाहर आएगा, इस ट्रिपलेट में से 1 5 बाहर आएगा, आंसर आ गया 10। आपको याद है कि स्क्वायर रूट में हम पेयर बनाते थे, बस यहां पे फर्क इतना है कि यहां पे पेयर के बजाय ट्रिपलेट बना रहे हैं, करेक्ट। एस्टिमेशन मेथड है वो, हम बाद इसके बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, देखिए भाई ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, पहला ही क्वेश्चन है, कहता है कि भाई फाइंड क्यूब रूट प्राइम फैक्टराइजेशन से, मैं इसका आंसर ले लेता हूं, ठीक है, थर्ड वाले का। तो मैंने सबसे पहले 2 से डिवाइड किया, ये आ गया प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर से डिवाइड करना, ध्यान रखें क्योंकि नाम ही प्राइम फैक्टराइजेशन है। फिर मैंने फिर 2 से डिवाइड किया, फिर मैंने करा ना, कई बच्चे यहां अटक जाते हैं, ये मैंने 11 से डिवाइड किया, एग्री। अब बात करते हैं, जब मैंने एक्सप्रेस किया ना, तो देखिए इसका तो ट्रिपलेट पूरा बना हुआ है, इस ट्रिपलेट में से 1 2 बाहर आ गया, इस ट्रिपलेट में से 1 11 बाहर आ गया, और आंसर आ गया 22। और एक बात बताता हूं आपको, क्रॉस चेक कैसे करना है, हमेशा याद रखना मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप क्रॉस चेकिंग कर सकते हो। 22 को 3 बार मल्टीप्लाई करके देख लो, अगर 3 बार मल्टीप्लाई करने पे 104 106 48 आ रहा है, देन ओनली योर मेथड इज करेक्ट, और क्वेश्चन आपका, आंसर आपका करेक्ट है।
आई होप प्राइम फैक्टराइजेशन कोई दिक्कत नहीं होगा, आगे चलते हैं। ये बाकी होमवर्क लिख देता हूं, आप खुद कर लोगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन टू, ये एस्टिमेशन की बात करेगा पहले, मेरा फेवरेट है भाई, एक लाइन में निकाल देगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको मैंने कंपिटिटिव एग्जाम में पढ़ाता हूं, इसको वैदिक मैथ्स की बुक से मैंने पढ़ा था। क्या ट्रिक है? इस ट्रिक से पहले आपको 10 नंबर का क्यूब याद होना चाहिए। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का 27, ऐसे याद होना चाहिए। एग्री? और आपसे क्यूब रूट झट से पूछे ना कि भाई 27 का क्यूब रूट आप बता दोगे 3, 64 का 4। अब आपने ना ना एक चीज नोट डाउन करी, किसी भी नंबर के एंड में अगर 9 होता है ना, तो उसके क्यूब रूट का भी एंड डिजिट 9 होगा। किसी भी क्यूब के अंदर एंड डिजिट 2 होता है ना, उसके क्यूब रूट का एंड डिजिट 8 आएगा। ये एंड डिजिट क्या है ये समझाता हूं आपको, यहां आ जाइए। मैं दो क्वेश्चन कर लेता हूं, पहला क्वेश्चन कर लेता हूं ये 15625, और एक क्वेश्चन पहले देखिए स्टेप वन। स्टेप वन क्या है, इसको ढंग से सुनोगे, बच्चों को कई बार दिक्कत हो जाती है। 3 डिजिट के बाद एक स्लैश लगा दो, डॉटेड लाइन लगा दी, ठीक है। अब मैं सीधा क्यूब रूट लिखूंगा, देखिए कितने मजे है, इसमें कुछ नहीं करना। अब ये बताइए, अगर किसी परफेक्ट क्यूब में, याद रखना, मैं वापिस याद दिलाता हूं, ये मेथड काम करता है परफेक्ट क्यूब में, किसी के एंड में 5 होता है तो उसके क्यूब रूट के एंड में क्या आता है? देखिए ये रहा, अगर किसी के एंड में 5 है तो क्यूब रूट के एंड में भी 5 आएगा, तो मुझे ये वंस प्लेस डिजिट मिल गया 5। अब क्या बचा है? अब एक ही स्टेप बचा है, टेंस प्लेस डिजिट निकालना। ये 15 है ना, ये पता करो 15 किस किस के क्यूब के बीच में आ रहा है। देखिए आपने नोट करा 15 आ रहा है 8 और 27 के बीच में, यानी कि 15 है ना वो 2 के क्यूब से तो बड़ा है 15, और 3 के क्यूब से छोटा है, ठीक है। तो छोटे वाला नंबर 2 है तो 2 यहां आ जाएगा। देखिए एक सेकंड में आंसर आ गया 25। एक और करके दिखा रहा हूं, जनरली बच्चे कहते हैं सर इसके एग्जाम्पल 2 दे दीजिए मुझे, ये देख लीजिए भाई, ये जो क्वेश्चन है ना, मैं 7th वाला ही कर देता हूं, 110592। पहला स्टेप आपको क्या करना है, पहला स्टेप ये है कि आपको 3 डिजिट के बाद स्लैश लगा देना है, लगा दिया। अब सीधा आंसर लिख रहा हूं मैं, क्यूब रूट, कैसे आंसर लिख रहा हूं, किसी के एंड में अगर 2 है, कहां पे है 2, ये रहा देखिए, किसी के एंड में 2 है तो उसके क्यूब रूट के एंड में क्या आएगा, 8 आएगा। तो भैया मुझे वंस प्लेस डिजिट मिल गया, इस पूरे से मुझे एक डिजिट मिल गया कि 8 आ गया। अब बात करते हैं इसकी, 110 किसके बीच में आएगा, देखो 110 इन दोनों के बीच में आ रहा है, 4 का क्यूब और 5 के क्यूब के बीच में, 64 और 125 के बीच में आता है ना, यानी कि 4 जो क्यूब है 64 उससे तो बड़ा है 1110, और 5 क्यूब के बीच में, 54 क्यूब, तो छोटा नंबर 4 है ना, तो यहां पे आंसर आ जाएगा 4। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, ये टेबल आपको याद होगी ना तो ही आप कर पाओगे, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। आई होप एस्टिमेशन मेथड यू आर क्लियर। अब आगे करते हैं, देखिए हमारा पूरा चैप्टर फिनिश होने में 2-3 क्वेश्चन है। कई बच्चे कहते हैं सर ये बताइए सी वाला पार्ट। देखिए अगर मैं पहले इनका बता देता हूं, इसका अगर आपको करना है ना तो न्यूमरेटर का अलग डिनोमिनेटर का अलग अलग निकाल लीजिए, यानी कि 178 का है ना वो अलग क्यूब रूट निकलेगा, और 2744 है ना इसका अलग क्यूब रूट निकलेगा। मैं एक आपको करके दिखाता हूं ये वाला, भैया जो 1458 था ना मैंने इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करा, इसका 2 से डिवाइड किया 729, और कब तक करता रहा, जब तक 1 नहीं आ गया। 1 आ गया तो मैंने देखा यहां पे 2 तो एक बार आया है, और 3 यहां पे 3 बार आया, और ये भी 3, 6 टाइम आया है। फिर मैंने 108 का भी करा प्राइम फैक्टराइजेशन, देखिए ये रहा, मैंने शो भी किया राइट साइड में। अब आंसर निकालते हैं क्यूब रूट, दिस इज कंप्लीट ट्रिपलेट, दिस इज कंप्लीट ट्रिपलेट, दिस इज कंप्लीट ट्रिपलेट। अब आपने नोट करा एक चीज इसमें नहीं आ गई कि भैया ये पहले वाले में तो 1 2 है और इसमें 2 2 है, तो यानी कि इन तीनों को मिला दूंगा तो एक ट्रिपलेट बन गया। ये जो ट्रिपलेट बना है ना इससे एक 2 बाहर आ गया,
इस ट्रिपलेट से एक थ्री बाहर आ गया, इस ट्रिपलेट से एक थ्री बाहर आ गया, और ये वाला ट्रिपलेट है इससे एक थ्री बाहर आ गया, और आंसर आ गया 3 3s are 20 and 54 आंसर आ गया। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इस केस में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का अलग आ जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है वो बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। हमसे कह रहा है वॉल्यूम गिवन है और क्या निकालना है, एक साइड निकालनी है क्यूब की। तो भैया अगर किसी बच्चे को याद होगा कि अगर साइड ए है तो वॉल्यूम उसकी होती है ए क्यूब, और ए क्यूब की वैल्यू दे रखी है 15.625 डेसिमल का, पहली बार बता रहा हूं आपको निकालना। ये ए निकालना है ना तुम्हें, इसका मतलब जो ये नंबर है इसका क्यूब रूट करना पड़ेगा। याद आया आपको? एक सिंपल सा लॉजिक बताऊं आपको कि ये 3 यहां जाएगा ना तो इसका 1/3 हो जाएगी पावर। अब मैं आपको पहली बार डेसिमल का क्यूब रूट निकालना बताता हूं, तो कैसे निकालते हैं ढंग से सुनना। सबसे पहला काम है डेसिमल हटा दीजिए। डेसिमल हटाएंगे ना तो डेसिमल के नीचे अगर मैं 1 लिखता हूं और यहां पे 3 0 लिखता हूं तो 1000 आ गया, पहला काम। अब मैं क्या करूंगा, ऊपर वाले का याद करिए अलग से क्यूब रूट निकाल लेता हूं, नीचे वाले का अलग से क्यूब रूट निकाल लेता हूं। ऊपर वाले का क्यूब रूट मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा था, मेरे को याद है, आपको याद नहीं है तो प्राइम फैक्टराइजेशन से कहिए। ये 25 × 25 यानी कि 3 बार आता है, और 100% आपको पता होगा 1000 है ना, वो 10 को 3 बार करने से आता है। अब तो आप खुद ही कह दोगे यहां से 25 आया, नीचे वाले से 10 आया, और योर आंसर इज 2.5 सेंटीमीटर। जो ये क्यूब है ना ये 2.5 सेंटीमीटर इसकी साइड है। सर आपने ये 25 कैसे निकाला? किसी बच्चे को नहीं आए तो आप इसको एस्टिमेशन से या आप प्राइम फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं। एंड आवर चैप्टर लास्ट क्वेश्चन इज, वेल दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। कहता भाई 3 नंबर है, 1 रेशो, तीनों नंबर का रेशियो दे रखा है, 1 रेशियो 2 रेशियो 3। जिंदगी में याद रखिए अगर रेशियो दिख जाए तो एक्स से मल्टीप्लाई करो, 1 × x x, 2 × x 2x, 3 × x 3x, ये 3 नंबर है मेरे। कहता है सम ऑफ देयर क्यूब, इन तीनों नंबर का, ये कह रहा है पहले का क्यूब, दूसरे का क्यूब और तीसरे का क्यूब, इन तीनों का क्यूब है ना इनका सम इसके बराबर आता है। तो पहला नंबर तो x है यानी कि x क्यूब हो गया, दूसरा नंबर मेरा क्या है 2x है तो 2x का क्यूब करूंगा मैं यहां पे, तीसरा नंबर मेरा 3x है, 3x का होल क्यूब। कहता है इन तीनों का सम बराबर है इसके, करते हैं भैया ये तो एज इट इज आ जाएगा एक्स क्यूब, यहां से आ जाएगा 8। देखिए 2x को 3 बार करोगे ना, 2x × 2x × 2x, तो 2 तो 8 बार हुआ और x की पावर 3 बनेगी, तो ये 8x3 बना, और यहां से बना 27x³, और इनका सम बना है 79092। इसके आगे कुछ नहीं होता, तो 1 है एलजेब्रा याद होगा। 36x³ बराबर है 79092, ठीक है। अब एक्स क्यूब जो है ना यानी कि मैं 36 को डिवाइड कर दूंगा, ये 36 से मैंने डिवाइड कर दिया, तो आपको डिवाइड करना आता है, टेबल नहीं आती तो एक काम कीजिए कट कर लेते हैं। ये है ना 9 से कट हो रहा है, 9 से काटे पहले, 9 4 जा और 9 8 जा 72, 7 बचा, 9 7 जा 63, 7 बचा, 9 8 जा 72, 7 और 9 8 जा, ये आ गया। अब ये मेरा जो है ना 8 7 8 8/4 आया, 4 से कट हो रहा है, 2 4 2 जा 8, 4 1 जा 3, 4 9 जा 2 1 9 7 आ गया। अब आपको पता है 2 1 9 7 जो है, मुझे तो x निकालना है ना, 2 1 9 7 जो है वो किसका क्यूब रूट, इसका क्यूब रूट निकाल लेंगे। तो क्यूब रूट का आंसर बताता हूं, ये एक आंसर हो जाएगा 13। आप बोलोगे सर आपने इतनी जल्दी कैसे निकाला, 2 1 9 7 का ना मैंने यहां पे कर लिया, लास्ट में 7 आ रहा है तो 3 आएगा, ये 1 और 2 का क्यूब है तो 1 3 आंसर है, 13 आ गया। x की वैल्यू 13 है, पहला नंबर 13, दूसरा नंबर 2 × 13 करा 26, तीसरा नंबर 3 × 13 किया
39. आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा. विद दिस आवर दिस क्यूब रूट चैप्टर ओवर हो गया. थैंक यू वेरी मच. अब हम नेक्स्ट चैप्टर करते हैं.